वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये बार बार यूज़ होगा, सेसिव रूल। सेसिव रूल क्या होता है? एक्चुअली ये 11th की क्लास में, 11th के केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें अल्कीन ये टॉपिक के अंडर दिया है, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन में सेसिव रूल के बारे में दिया है। सेसिव रूल क्या है हम वो देखते हैं, उसका स्टेटमेंट देख लीजिए और हम उसको समझेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट है सेसिव रूल का कि इन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन? डी मीन्स रिमूव करना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिन मीन्स हेलोजन, ये माइनस एच एक्स। कोई मॉलिक्यूल से जो माइनस एच एक्स होता है, हमारे वीडियोज़ देखिए आप, अभी हमने जो आर्ट अपलोड किए हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसमें मिल जाएंगे आपको। इन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन द मेजर और प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्कीन दैट हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, कहाँ पे? टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ये जो अल्कीन है, जो रिएक्शन में अल्कीन आपका प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे वो उतना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसकी बेसिस पर हम एक और समझते हैं पॉइंट, वो ये है कि डिपेंड ऑन द सेसिव रूल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन क्या होगा। देखिए अगर आप ऐसा अल्कीन लेते हो जैसे कि जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कि ये भी CH3, 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 या C2H या इथाइल, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह ये, तो ये ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे मोर नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम सेसिव रूल। ओके, तो ये बहुत स्टेबल रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड देखिए, इसमें तीन अल्काइल है, इसमें चार अल्काइल है, तो इसमें चौथा क्या है, एच है, तो ये इससे कम स्टेबल रहेगा। देखिए इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें तीन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो ही अल्काइल है, इसमें तीन अल्काइल है, तो ये क्या होगा, इससे कम स्टेबल रहेगा। इसमें देखिए इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल है और तीन हाइड्रोजन है, इसलिए लीस स्टेबल रहेगा। और आप देखोगे कि ईथीन जो है, ईथीन में तो कोई भी अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, बस सबके सब क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए ईथीन क्या होगा, लीस स्टेबल होगा। वही हमारा क्या है, सेसिव रूल कहता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट वन इन विच द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन। हमको ये समझना है कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन जब करोगे आप, बॉयल करोगे इसको, तो ये अल्फा कार्बन है, हमको बताया है। किसे कहते हैं अल्फा कार्बन? ऐसा कार्बन जहाँ पे हैलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को जो अटैच होता है, ये अल्फा कार्बन है, इसको जो अटैच वो बीटा कार्बन है, इसको जो अटैच है वो बीटा कार्बन है। तो होता क्या है, इसमें डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, यानी अल्फा पर से हैलोजन जाता है और बीटा पर से क्या जाता है, एच जाता है। लेकिन यहाँ पर दो बीटा है, तो कहाँ का एच जाएगा, पहले यहाँ का अगर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो हमने लिख दिया है डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, सेकंड केस में अगर ये बी आर और यहाँ का एच जा रहा है तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो इस रिएक्शन में आपको दो कंपाउंड्स मिले, लेकिन मेजर माइनर कौन सा है, सेसिव के हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए सेसिव के हिसाब से आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को एक करना है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन पे एक अल्काइल है और ये दूसरा अल्काइल है, यानी दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, 2R, जबकि इस डबल बॉन्ड पे, इस कार्बन पे सिर्फ ये ग्रुप आ रहा है और जबकि इस पर कुछ भी नहीं, एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसलिए जिस पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो होता है मेजर, या उसे कहते हैं प्रीफर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितने कम हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मीन्स टोटल दो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, मीन्स टोटल तीन हाइड्रोजन। तो जिस पे कम हाइड्रोजन वो क्या होगा, हाईली मोर और मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। देखिए ये है एक कंपाउंड, इसका नाम है
वन ब्रोमो टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसको आप सेम कंडीशन देते हो, इसको बॉईल करते हैं हम, इसको अगर हम बॉईल करते हैं QOH या NOH की प्रेजेंस में जो कि अल्कोहलिक है, तो होगा क्या? देखिए पहले आप चेक कीजिए कि इसमें अल्फ़ा बीटा कार्बन कौन से। देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इसके बाद में गामा होगा, ये गामा होगा और डेल्टा। हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको बीटा देखना है। देखिए अब इसमें दो टाइप के बीटा कार्बन है, तो जितने टाइप्स के बीटा कार्बन उतने टाइप्स के एल्कीन लिख लेना आप, सिंपल। तो कितने टाइप्स के बीटा हैं? दो। तो पहले यहाँ एल्कीन बना लीजिए, इधर बीटा है तो इधर एल्कीन बना लीजिए। देखिए दो एल्कीन्स बन गए। अब क्वेश्चन ये है कि सेजेफ के हिसाब से कौन सा ज़्यादा मेजर कौन सा रहेगा, तो बहुत आसान है। देखो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है वहाँ पे, क्योंकि चारों वैलेंसी फुल है, एक दो तीन चार। यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पर एच है क्या? यस, यहाँ पर एक एच है। तो डबल बॉन्ड को, सिर्फ डबल बॉन्ड के दो कार्बन देखना है, इस कार्बन पे नो एच, इस कार्बन पे एक एच, तो इस पर टोटल एक एच आया दो कार्बन पर। यहाँ देखिए इस कार्बन पे एक एच है, यहाँ पर भी एक एच है, ये दो कार्बन को देखना, बाकी नहीं देखना है। तो इस पर टोटल कितने दो एच आ गए डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो जहाँ पे कम एच वो मोर स्टेबल, यानी एक एच है यहाँ पर दो एच है, इसका मतलब ये होगा मेजर और ये होगा आपका माइनर नॉट। ठीक है, हम इसको समझने के लिए और एग्जांपल लेंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए लीजिए ये एक हमने एग्जांपल लिया है, ये देखिए जहाँ पर हैलोजन अटैच्ड है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको जो अटैच्ड है वो बीटा कार्बन, इसको जो अटैच्ड है ये भी बीटा कार्बन। ठीक है, अब जितने बीटा कार्बन्स उतने प्रोडक्ट्स बना लीजिए, फिर हम मेजर माइनर की बात करेंगे। तो ये बीटा है तो यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, तो एक प्रोडक्ट ये होगा। हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, उसके बारे में आप परेशान मत होइए। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है समझना है। देखिए ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ का H और ये Cl चला गया, डबल बॉन्ड आया। दूसरे केस में ये जो CH3 है, ये CH3 में का ये एक H और ये Cl जाएगा और डबल बॉन्ड कहेंगे, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, देख लीजिए। अब हमको समझना है 100%। देखिए ये दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। अब मेजर माइनर देखिए सेजेफ रूल अप्लाई कीजिए, डबल बॉन्ड को फोकस कीजिए। तो ये डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, ये कार्बन है, इसमें ये डबल बॉन्ड का कार्बन है। अब इस कार्बन पे एच है क्या? नहीं है, क्योंकि ये चारों वैलेंसी फिल्ड है, यानी अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। इस पे एच है क्या? यस, इस पर एक एच मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टोटल एक एच हुआ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एच है, यहाँ पे दो एच है, तो टोटल तीन एच हो गए। हमको पता है जहाँ पे जितने कम एच वो मेजर, तो आप कहोगे कि ये मेजर रहेगा और ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा, कम रियल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए। ये थोड़ी और आपको लग रहा है कि और इसमें ज़्यादा समझने का ज़रूरत है। देखिए बहुत सिंपल, ये कार्बन जहाँ पे हैलोजन है वो अल्फ़ा कार्बन है, इसको अटैच बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, तीन बीटा कार्बन है, तो कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? तीन। तो हम लिखते हैं, आपको पहले क्या करना है, प्रोडक्ट्स लिख लेना है और बात को समझना है। देख लीजिए अगर ये यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है बीटा कार्बन, तो ये एक ऐसा बॉन्ड आएगा, ये एक तो ग्रुप है यहाँ पर वाला मिलता है। दूसरा देखिए, हम दूसरा बना लेते हैं, हमको सिर्फ मेजर निकालना है। ठीक है, ये अगर बीटा है तो यहाँ बॉन्ड आएगा और ये इस तरह रहेगा। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, एक तीसरा हम यहाँ बना लेते हैं, ये देख लीजिए यहाँ यहाँ बना लेते हैं, देख लीजिए, और ये तीसरा है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब इसमें हमको समझना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो देख लीजिए बहुत आसान है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो मेजर है, ज़ीरो हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए तीनों में ये यहाँ पर एक एच है, इसमें तो दो एच है और इसमें एच नहीं है, ये सब अकोपाइड, इसका मतलब यही इसमें क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये सेजेफ रूल था, हमने डाइवर्सिफाइड एग्जांपल ली है, समझे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम आपको उसके आंसर देंगे अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी जाती है तो।